हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीनास किचन। चलिए आज हम सूजी के लड्डू बनाते हैं, वो भी केरला स्टाइल में, ट्रेडिशनल केरला स्टाइल में, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है और आधा कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसे हम मिक्स कर देते हैं। सूजी और फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम पैन में एक चौथाई कप घी डाल देते हैं। घी के गर्म होने पर हम इसमें किशमिश डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम घी में मिक्सचर को डाल देते हैं। सूजी और फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट को जो हमने मिक्स किया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है। अब मैंने पैन में 100 ml पानी लिया है। इसमें मैं आधा कप शक्कर डालूंगी। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये शुगर सिरप वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी की हो जाए तब हम इसमें मिक्सचर डाल देंगे। अब इसमें हम फ्राई किए हुए किशमिश डाल देंगे और एक चम्मच इलायची का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये मिक्सचर हल्का गर्म है, ऐसा ही हमें लड्डू बनाना है। हल्का गर्म होना चाहिए ये मिक्सचर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। ऐसे ही हमें सारे लड्डू बना लेना है और ये हमारे टेस्टी सूजी के लड्डू तैयार हैं। इसे हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।